किसानों के नाम से वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता चुप हैं, किसान परेशान हैं, उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। ये बात अलग है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस्तेमाल किसान का होता है। मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने किसानों के आगे 10 दिन में कर्ज माफी का दाना फेंका और किसान फंस गए, मगर अब किसान ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, मगर किसानों के जमीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं। अब सरकार को वक्त चाहिए। सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे पास पेड़ नहीं जो हिलाने से पैसा आ जाएगा। किसान कर्ज माफ नहीं होने से ठगा हुआ महसूस तो कर ही रहा है, साथ ही दूसरी ओर बीमा योजना में उलझा हुआ है। हमारे पास कोई बेर का पेड़ तो है नहीं कि लगाए पैसा निकले आए। जब हमारी आर्थिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी खोखला कर गई है, धीरे धीरे हम आमदनी कर रहे हैं, खर्चे अपने कम कर रहे हैं और खर्चे कर करके सरकार जो किसानों को भुगतान कर रहे हैं। हम किसान को कुछ मिला है तो वो है सिर्फ धोखा। ये तस्वीरें सरकार के सभी दावों और वादों की हकीकत बयां कर रही हैं और बार बार सरकार को चुनावी वादों को याद कराने की कोशिश कर रही हैं। अब किसान सरकार की मंशा पर शक करने लगा है कि यह चुनावी वादा हकीकत में बदलेगा या नहीं, या इस सरकार के 5 साल यूं ही कट जाएंगे। इन तस्वीरों में दिख रही ये लंबी लाइन किसानों की है, किसानों के परिवारों की है, उनके बच्चों की है। ये लोग यूरिया के लिए लाइन में घंटों खड़े हैं और घंटों के इंतजार के बाद महज एक बोरी यूरिया ही मिला, जबकि जरूरत 3 से 4 बोरी की थी। यूरिया ले भी आ रही है। कितना यूरिया मिला है? यूरिया ही तो पूरी मिल रही है आधार कार्ड पर। आपको जरूरत कितने की है? अब जरूरत तो मुझके की है। एक ही बोरी मिल रहा है? दो दो पाँच पाँच बोरी होगी जरूरत है, गेहूँ की बहुत चल रही है। तो क्या परेशानी हो रही है यूरिया लेने? परेशानी तो हो रही है, परेशानी सब पशु की हो रही है। काई की लाइन में लगे हो? यूरिया की। यूरिया लेने आए? मिल रहा है यूरिया? मिल रहा है। कितना लेने आए हैं यूरिया? तो मुझको चाहिए वाली एक ही बोरी दे रहा है। एक बोरी मिल रहा है? कहाँ से आए हैं? किसान किस कदर परेशान है ये तस्वीरें बता रही हैं। एक ओर जहां कांग्रेस के मंत्री ये कह रहे हैं कि भरपूर यूरिया है, यूरिया की कोई कमी नहीं है, पिछले वर्ष से 1,20,000 मैट्रिक टन यूरिया अधिक दिया है, किसानों को जरूरत की यूरिया आसानी से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 1,20,000 मैट्रिक टन जो है अधिक विक्रय करने का काम जो है हमने इस वर्ष में किया है और आने वाले 10 दिनों में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक लगभग 2,00,000 मैट्रिक टन जो है यूरिया हमारे विभिन्न जिलों में पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं और पर्याप्त व्यवस्था हमारे पास यूरिया और खाद की है और हमारे किसान साथियों को जो है किसी प्रकार की जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी मांग के अनुसार जो है पर्याप्त यूरिया जो है आपको उपलब्ध। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों को पर्याप्त यूरिया न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। रात रात भर किसान लाइन में लगा है, फिर भी यूरिया नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ, ना ही बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है और ना ही किसान को फसल का बोनस मिला। मध्य प्रदेश का किसान पहले से ही परेशान था, कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, गेहूं का बोनस अब तक नहीं दिया, सोयाबीन का, मक्के का, धान का बोनस किसान को मिला नहीं, मूंग और उड़द का बोनस नहीं मिला, राहत की राशि नहीं मिली। लेकिन अब तो हद हो गई, रबी की फसल के लिए यूरिया के लिए चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। रात रात भर किसान लाइन में लगा रहता है। अब तो बहनें लाइन में लग रही है, बच्चे लाइन में लग रहे हैं, तब जाके संगीनों के साए में एक बोरी दो बोरी खाद मिलती, दो दो तीन तीन दिन से लोग परेशान हैं। और जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में जगह जगह ऐसे ही हाल है, किसान परेशान है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही या फिर कुछ करना ही नहीं चाहती। सरकार बनने के कुछ माह बाद ही मध्य प्रदेश में यूरिया की ऐसी किल्लत हुई कि अफरा तफरी मच गई।
रवि की फसल को बचाने के लिए किसान अब सब काम छोड़कर यूरिया की लंबी लंबी लाइनों में लगा है। कैसे भी यूरिया मिल जाए और फसल को बचाया जा सके। अब कांग्रेस केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है और बीजेपी राज्य सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। पर इन किसानों की क्या गलती जो राजनीति के नफा नुकसान का खामियाजा भुगत रहे हैं। नेताओं से एक ही विनती है कि किसान देश का अन्नदाता है। ऐसे में जरूरी यह है कि सियासत और राजनीतिक फायदे के नाम पर उनसे खिलवाड़ ना हो। अभी चूंकि रबी सीजन का बोनी का टाइम आ गया है, नेचुरली है कि किसानों को जरूरत है, इसलिए थोड़ी भीड़ लग रही है, लेकिन हम इसको शीघ्र ही व्यवस्थित कर लेंगे और ताकि किसानों को किसी प्रकार का या भीड़ लगाने का या लाइन लगाने की नौबत ना पड़े। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।